बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम आपको दिखा रहे हैं कि टमाटर और अदरक की जो मखलूत काश, जैसे कि पिछली वीडियोस में भी हमने दिखाया आपको, तो अभी इस टाइम जो है जून का दूसरा हफ्ता है और ओपन में जो टमाटर है, आई मीन के जो हमारा शेड नट के अलावा टमाटर लगता है, वो इस वक्त तक सारा ख़त्म हो चुका है। तो इस टाइम आप, या उसकी बिल्कुल एंड स्टेज चल रही है, तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे ही फार्म पे ओपन में भी टमाटर लगा हुआ, जिसको हमने पॉलीथीन शीट के नीचे लगाया गया था, जो हमारा टनल वाला टमाटर है उसकी अब एंड स्टेज है और बिल्कुल वो टमाटर वो हार्वेस्ट हो चुके हैं, या सिर्फ सीड क्रॉप जो है वो खड़ी है। तो बाकी ये जो शेड नट के अंदर है, ये टमाटर की अभी भी क्वालिटी जो है वो बेहतर है, यानी कि आप इसमें ये कह सकते हैं कि ये आज इसकी हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि ये टमाटर बिल्कुल ये तैयार है। और इसको, इसका प्लस पॉइंट यही है कि शेड नट की वजह से आप इसकी लेट जो है वो हार्वेस्टिंग इसकी वो कर सकते हैं, जबकि ओपन में आपको गर्मी की वजह से सन स्कॉल्ड आ जाता है पौधों, जो टमाटर है उसकी जो साइड है, जैसे लू चलने वाला अमल है, वो एक साइड बिल्कुल पिचक जाती है, उसका कलर जो है वो ख़राब हो जाता है और उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। लेकिन यहाँ शेड नट होने की वजह से आपको किसी किस्म का सन स्कॉल्ड जो है वो टमाटर के पौधों के ऊपर नज़र नहीं आ रहा। तो ये हमारा ही हाइब्रिड है दारा तहकीकात सब्ज़ियात का सांदल, तो ये इस हाइब्रिड को इसमें ट्रांसप्लांट किया गया था, सांदल F1 है। तो इसके आप देख सकते हैं कि जून के दूसरे महीने में भी इसमें से हार्वेस्टिंग हो रही है, इसकी पहले भी हार्वेस्टिंग हो चुकी है, तो आज भी इसकी हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, इसका डाटा बाकायदा नोट कर रहे हैं। तो दोनों ये अदरक और टमाटर कंपेनियन प्लांट है, जैसे पिछले वीडियो में हमने आपको वाज़े फ़र्क दिखाया कि जो टमाटर के अलावा अदरक लगा हुआ है उसके ऊपर हीट का इफेक्ट ज़्यादा है, जो टमाटर की प्रोटेक्शन में है उसके ऊपर हीट का इफेक्ट कम है। तो ये कि जो फार्मर जिसके पास हाई टनल मौजूद है वो अदरक और टमाटर दोनों फसलें इकट्ठी काश कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।